क्या हाल है भाई लोगों। घबराओ मत, फिल्टर ही है, कुछ नया ट्राई करें। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक्सपाइडर के नए सबवूफर की। तो पूरी वीडियो देखना, बहुत ही डिटेल रिव्यू है। जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, तब तक मैं फिल्टर चेंज करके आता हूँ। चलो जल्दी। तो भाई लोगों क्या हाल चाल है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग करने के लिए आए हैं अपने टेस्ट डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि अपना टेस्ट सोफा है वो सामान से भर चुका है। जो हमारा टेस्ट सोफा देखना चाहते हैं, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि आपको वो टेस्ट सोफा दिखे। तो अब हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग अपने प्रोडक्ट की, जो बहुत ही जल्द आपको पता लग जाएगा कि कौन सा है। कैप्शन में तो चलो देख ही लिया होगा, तो वीडियो में सस्पेंस बनाए रखो तो अच्छा लगता है। वीडियो को अच्छा नहीं लगता, मतलब बनाने वाले को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। तो जितनी देर ये फट रहा है उतनी देर टाइम पास तो करना है ना, कुछ तो टाइम पास तो करना ही है। खुल गया। ऐसे इसकी एक्चुअली नई जो पैकिंग है वो बहुत जल्द आने वाली है। मुझे जरा जल्दी थी तो मैंने इसी पैकिंग में, पुरानी ही पैकिंग में मंगवा लिया था। तो नई पैकिंग बहुत जल्द आने वाली है इसकी। खुल जा। एक और डब्बे में डब्बा, एक और डब्बा, उसके बाद डब्बे में एक और डब्बा। ये क्या डब्बा, डब्बा फिर डब्बा। वाह, शेरो शायरी बन गई है। तो क्या बात है, दिखाऊं दिखाऊं के रहने दो, दिखाऊं। चलो यार, दिखाने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं। तो इसको साइड पे करके, आ हा, क्या बात है। इसकी झलक पाने को तो मैं भी बहुत देर से वेट कर रहा था। क्या बात है जी, क्या बात है। ओहो, पहले तो मैं देखता ही रहूं यार इसको 10-15 मिनट। इतना सुंदर लग रहा है ये, देखो देखिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा देखो तो सही। क्लोजअप तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, पहले ऐसे तो देख लो। ये देखो, यहां से देखो, और उबे बाप भाई है, यहां से देखो। ठीक है, तो ये है हमारा 700 RMS का एक्सपाइडर का सबवूफर। तो चलो अब हम लेते हैं इसकी कुछ क्लोज लुक। क्लोज लुक लेने के लिए, ओ सॉरी, इसकी फाड़नी पड़ेगी सील। फट गई सील, चलो एनीवेज। तो ये है जी हमारा सबवूफर, और एज यूजल ये देखो, इसमें है ब्लैक स्पाइडर। ये दो स्पाइडर लगे हुए हैं भाइयों, एक तो ये है ब्लैक वाला और एक इसके नीचे लगा हुआ है। तो ये डबल स्पाइडर में है हमारा, और इसमें भी देखो, ये उठाना मुश्किल हो रहा है, रबड़ लगी हुई है मैग्नेट्स के ऊपर। और चलो सील तो चढ़ी है, चली रहने दो, इसकी सील हम नहीं उतारेंगे। तो मैग्नेट के ऊपर चढ़ी हुई है रबड़ की सील, और जो आप बास्केट देख रहे हैं, जो इसकी सबसे यूनिक चीज़ है वो इसकी बास्केट। तो टेक्सचर पेंट हुआ हुआ है, जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है जो कंपनी ने की है। देख सकते हैं आप टेक्सचर पेंट, ये देखो। और ये डुअल 4 ओम का सबवूफर है, एक वॉइस कॉइल ये है और एक ये है, और ये हमारा जो सबवूफर है मैट फिनिश में। तो फ्रंट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैट फिनिश दिखेगी। और ये एज यूजुअल एक्सपाइडर का लोगो, और ये जो रबड़ जो अब के एक्सपाइडर की पहचान बन चुकी है, ये वाली जो गैस्केट है, ये सिर्फ एक्सपाइडर में आती है, जो इसकी पहचान बन चुकी है।
ऑर्डर, जल्दी करो ऑर्डर, पहले ही फैसला कर ले। ये 50 Shades ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? तो भाइयों, ऐसा कैसा हो सकता है कि वीडियो बनाएं और हम एकदम क्लोज लुक ना लें किसी चीज की? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो क्लोजम क्लोज लुक आप लीजिए, ये देखिए क्लोजम क्लोज, इससे क्लोज नहीं हो सकता। ये फ्रेम की लुक लीजिए, स्पाइडर की लुक लीजिए, टेंसी लीड्स की लुक लीजिए, ठीक है, हर एक चीज की लुक आपको क्लियरली मिल रही है। ये जो नॉन प्रेस्ड पेपर कोन है, ये उसकी लुक है। तो मतलब इस वीडियो में क्लियरली आपको क्वालिटी का पता लग जाएगा, कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। ये देखो कॉयल भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, ये देखो ये हल्का 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 हल्का, ये हाँ। तो और फ्रंट भी दिखा दूं आपको ऐसे ही घुमाकर, ये तो भाई गाड़ी बन गई, वाह। चलो, कई लोगों ने गाड़ियों में स्टेयरिंग लगाया, हमने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया, तो देख सकते हो आप, आपके सामने है लुक्स, अल्टीमेट लुक्स, और होपिंग फॉर अल्टीमेट परफॉर्मेंस। तो करो जल्दी लाइक भाइयों, जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। अच्छा, हमको सिखा रिया है, अच्छा। तो भाइयों, आपने अब इतनी वीडियो यहाँ तक तो देख ही ली है, उसके लिए पहले तो थैंक यू। तो अब हम इसको थोड़ा सा घर में चलाकर देख ही लेते हैं। तो अब मोनो पे चलाएंगे क्योंकि 4 चैनल पे तो चलेगा नहीं, तो स्पीकर हम डायरेक्ट इससे चला लेंगे। तो अभी मैं इस बॉक्स में इसीलिए चला रहा हूँ क्योंकि इसमें ये फिट नहीं आया, एक्चुअली ये यहाँ से काफ़ी मोटा है और थोड़ा साइडों में ये थोड़ा कम है। तो इसमें 500 RMS तो आ गया था फिट, लेकिन अपना ये वाला ऊपर फिट नहीं आया। तो कोई बात नहीं, टेस्टिंग करनी है, इस बॉक्स में हो जाएगी, इसमें काफ़ी खुली डुली जगह है तो इसमें तो आ ही जाएगा। तो इसको हम चलाएंगे, 2 ohms पे, डुअल 4 ohm का सबवूफर है, हम मोनो पर चलाएंगे 2 ohms पे। तो अब सारी सेटिंग करके तो फिर चलाकर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। ये फिटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, सबवूफर लग गया, और अब हम इसको ऑन करके इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो भाइयों, जिसने एंड तक वीडियो देखी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो इसी खुशी में वीडियो को आप करो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। तो अब हम अगले साल में एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, कुछ नई अनबॉक्सिंग्स और नए परफॉर्मेंसेस के साथ। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।